आखिर क्यों लगाई जा रही है मसंद फिल्म ते रोक, फिल्म च की दिखा दिता गया ऐसा, इन्ने विरोध तो बाद क्यों हक च खड़े हुए भाई अमृतपाल सिंह ते लखा सिधाणा, कि यह फिल्म निहंग अजीत सिंह पुल्ला ते आधारित है, कि पुल्ला सिंह देश भगत सी। दस दिए कि पिछले दिनों एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया, नाम मसंद है। जिसके ट्रेलर रिलीज तो बाद ही फिल्म विवादा च आ गई, जिसके चलद फिल्म के प्रोड्यूसर अते फिल्म के हीरो रब्बी कंडोला के खिलाफ परचा भी दर्ज करवाया गया अते कई जगह फिल्म के पोस्टर भी साड़े गए। आखिर की है फिल्म च जो विवादा च छा गई, तुहानू दस दिए कि ट्रेलर मुताबिक फिल्म के कुछ डायलॉग्स अजिहे ने जो कि ऑडियंस नू पसंद नहीं आ रहे, अजिहे डायलॉग्स नू फिल्म तो हटाउन दी भी मांग की जा रही है। इन्हां सालियां दे गोली मारनी पई, मेरा दादा एक होर गल कहिंदा हुंदा, कहिंदा ही पुत 302 बशक लग जे 307 नहीं लगनी चाहीदी, पता क्यों? पर दूजे पासे देखिए पंजाबी मां बोली दा हुंगारा भरन वाले लखा सिधाणा अते वारिस पंजाब दे मुखी भाई अमृतपाल सिंह वल्लों फिल्म दे हक च आवाज बुलंद कीती गई है। हुण भाई ने फिल्म बनाई है मसंद, ते मसंद दो फिल्म है जिहड़ी फिल्म दे विच साडा अणगौलिया होया इतिहास जिहनू कदे असी फरोले ही नहीं, ते अणगौले होए ओह साडे योधे सूरमे जिन्हां ने साडी कौम की खातर साडी धरती की खातर साडे पंजाब की खातर बहुत वड्डियां कुर्बानियां कीतियां ने, अपने सिर लाए ने, अपना खून डोलिया, देख के लूकंडे भी खड़े हो जाणगे ते हैरानी भी होगी कि साडे एडे एडे महान योधे जिन्हां असीं भुल्ले बैठे हां। देखो ये बहुत मंदभागी गल है, साडे विरोध च फिल्मां बणदियां ओहनूं रुकवाउण लई सिख धरने लाउंदे आ, ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ FIR ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਮ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਛਾਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਮਸੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਪਈ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤ 302 ਬਸ਼ੱਕ ਲੱਗ ਜੇ